हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डीसी मशीन के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक देखा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ, सो दैट आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, ये कहता है कि इन शंट मोटर इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ एंड टॉर्क रिमेंस द सेम तो क्या होगा। इसने पूछा है स्पीड के बारे में एंड आर्मेचर करंट के बारे में। तो यहाँ देखिए, दिस इज अ शंट मोटर जिसको हमने सप्लाई वी दिया हुआ है और इसमें से आर्मेचर करंट इज आई ए एंड द फील्ड करंट इज आई एफ। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सप्लाई वोल्टेज है वी, जो टर्मिनल वोल्टेज है वी, वो अब वी बाय टू हो जाता है क्योंकि कहा है कि टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ, तो टर्मिनल वोल्टेज वी विकम वी बाय टू। जब वी बाय टू हो जाएगा तो हम देखते हैं इस पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके लिए हम नोट करेंगे, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज वी हो जाता है वी बाय टू, इसलिए जो ये फील्ड करंट होगा आई एफ ये भी रिड्यूस होके आई एफ बाय टू हो जाएगा, ये भी रिड्यूस होके आई एफ बाय टू हो जाएगा। और चूंकि फील्ड करंट आई एफ बाय टू हो जाएगा इसलिए फील्ड का फ्लक्स विल बिकम फाई एफ बाय टू इन दिस केस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका है कि टॉर्क रिमेंस सेम। टॉर्क जो होता है इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के ए, फील्ड का फ्लक्स फाई एंड मल्टीप्लीकेशन विथ आर्मेचर करंट। इसके बारे में कहता है कि दिस टॉर्क इज सेम, मीन्स ये टी चेंज नहीं होगा, टी तो टी ही रहेगा, यह कांस्टेंट के ए वो भी उतना ही रहेगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट। अब ये जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, दिस इज फाइव बाय टू, फ्लक्स बिकम फाइव बाय टू। ये आर्मेचर करंट आईए, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है कि आईए कितना होगा। जब टॉर्क सेम होगा और फ्लक्स हाफ हो रहा है, जाहिर सी बात है यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आईए जो आर्मेचर करंट रहा होगा वो टू टाइम्स हो गया होगा। ओके, जो प्रीवियस था आईए करंट उसका डबल हो गया होगा आर्मेचर करंट। ओके, तभी तो यहाँ पे टू इंटू आईए अगर हम लिखेंगे और टू से टू कैंसिल होगा फिर हमें सेम टॉर्क मिलेगा। ओके, तो यहाँ से पता चलता है कि इस कंडीशन में आर्मेचर करंट डबल हो जाएगा। और फिर हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी जिसमें लिखा हुआ है आर्मेचर करंट बिकम्स डबल। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में आर्मेचर करंट को डबल नहीं बताया गया है, तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यदि किसी और भी ऑप्शन में आर्मेचर करंट को डबल बताया गया होता तो फिर हम स्पीड को भी कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं लग रही है इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, ये कहता है कि द एक्साइटिंग क्वाइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर उन्ड ऑन वॉट, और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। एक्साइटिंग क्वाइल को हम फील्ड क्वाइल भी कहते हैं, तो आपको पता होगा कि फील्ड क्वाइल कहाँ पे प्लेस्ड किया जाता है। फील्ड क्वाइल्स आर प्लेस्ड अराउंड द पोल्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अराउंड द पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, ये कहता है कि द पार्ट्स ऑफ द आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्क्यूट
विच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है क्वाइल। सपोज इसका नाम है क्वाइल ए, ओके। तो इसके दो क्वाइल साइड्स होंगे, फर्स्ट क्वाइल साइड इज दिस एंड सेकेंड क्वाइल साइड इज दिस। ये दोनों एक क्वाइल के, क्वाइल ए के क्वाइल साइड्स हैं। लेट अस अज्यूम कि दिस इज क्वाइल साइड ए एंड दिस वन इज क्वाइल साइड ए डैश, ओके। और ये जो ग्रीन से शो हो रहा है, दिस इज ओवरहैंग पोर्शन ऑफ दिस क्वाइल ए, ओके। देखते हैं अब मशीन का कंस्ट्रक्शन। इसमें दिस इज आर्मेचर। यहाँ पे मैंने दो स्लॉट्स इंडिकेट किए हैं, स्लॉट वन इज दिस एंड सेकेंड स्लॉट इज दिस, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वाइल को इस स्लॉट्स में डालने हैं। तो क्वाइल साइड ए जाएगा इस स्लॉट में और क्वाइल साइड ए डैश जाएगा इस स्लॉट में, ओके, जो कि इसके बैक साइड में होगा। और यहाँ पर जो पोर्शन होगा दैट इज ओवरहैंग पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट होगा, ओके। देखिए अब दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। दिस इज पाथ ऑफ फ्लक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ओके। तो इस आर्मेचर के रोटेट करने पर ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेंगी, यानी कि जो क्वाइल साइड्स ए है या फिर जो बैक साइड में क्वाइल साइड ए डैश होगा, ये क्वाइल साइड्स इस फ्लक्स के द्वारा कट किए जाएंगे और इसमें इस क्वाइल साइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि कोई भी फ्लक्स इस ओवरहैंग पोर्शन को जो यहाँ कनेक्टेड होता है, दिस पोर्शन ओवरहैंग पोर्शन, इसको कट नहीं करता है, जिसकी वजह से ओवरहैंग पोर्शन ईएमएफ इंड्यूस करने में हेल्प नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शंस को, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि ईएमएफ जनरेशन में एक्टिव पार्ट लेता है, ओके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द क्वाइल साइड्स इनसाइड द स्लॉट। यही क्वाइल साइड्स हैं जो कि एक्टिव पार्ट होते हैं ईएमएफ जनरेशन के टाइम। ओवरहैंग नहीं होता है, बोथ द क्वाइल साइड्स एंड ओवरहैंग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द कॉमुटेटर सेगमेंट्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। ये कहता है कि द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर्स ऑफ अ डीसी मोटर इज व्हाट। यहाँ पर इसने यूज किया है वर्ड कंडक्टर्स। जब आप डीसी मोटर या डीसी जनरेटर का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया जाता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज दिस। सपोज नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 400, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज 800, 500 समथिंग, इस तरह से इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो जो ये वर्ड यूज करता है कंडक्टर्स, दिस इज रिलेटेड विद आर्मेचर वाइंडिंग। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में किस तरह का करंट फ्लो करता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में एसी करंट फ्लो करेगा, ओके। ओनली एसी करंट विल फ्लो इन आर्मेचर वाइंडिंग। जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द ब्रशेस वो भी होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर, और जो करंट होता है वो भी होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर। एंड बाय पासिंग थ्रू कम्यूटेटर एंड ब्रश कॉम्बिनेशन, यह अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट हो जाता है डीसी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये कहता है कि लोड इज इंक्रीज, द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर विल बी व्हाट। हमारे पास एक शंट मोटर है जिसका लोड हमने बढ़ाया, तो पूछा जाता है कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। मैकेनिकल लोड बढ़ाने से इसका आर्मेचर करंट
की वैल्यू बढ़ जाएगी, आर्मेचर करंट बढ़ने से बैक ईएमएफ इसका कम हो जाएगा और बैक ईएमएफ कम होने से इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्लक्स इनटू स्पीड। चूँकि शंट मोटर है तो फ्लक्स होगा कांस्टेंट, तो ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड। अगर बैक ईएमएफ घटता है तो स्पीड भी घट जाएगी। सो आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिड्यूस स्लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। ये कहता है कि इफ़ द करंट इन द आर्मेचर ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज रिड्यूस्ड टू 50%, तो टॉर्क बताइए कितना होगा। यहाँ देखिए, दिस इज अ सीरीज मोटर जिसमें दिस इज फील्ड वाइंडिंग, दिस इज सप्लाई टर्मिनल, सप्लाई वोल्टेज वी, एंड दिस वन इज आर्मेचर करंट। यही आर्मेचर करंट IA फ्लो करता है फील्ड वाइंडिंग से भी, और यही आर्मेचर करंट इस आर्मेचर वाइंडिंग में भी फ्लो करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर्मेचर करंट इज रिड्यूस्ड टू 50%, यानी कि जो IA था वो अब हो गया है IA/2। तो पूछता है कि टॉर्क कितना होगा। इन केस ऑफ DC सीरीज मोटर, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA². चूंकि करंट हाफ हो चुका है तो टॉर्क कितना होगा, हाफ का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। यदि पहले टॉर्क टी रहा होगा तो अब करंट के हाफ होने पे टी हो गया होगा T/4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 25% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC शंट मोटर इज रिवर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस मोटर का रोटेशन हम कैसे रिवर्स करेंगे। एज वी नो, रोटेशन को रिवर्स करना, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर में प्रोड्यूस होता है उसको रिवर्स करना है। एज वी नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप्ड इन अ मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्लक्स इनटू करंट, आर्मेचर करंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यदि हम किसी भी तरीके से इसके फ्लक्स को रिवर्स कर दें या फिर इसके आर्मेचर करंट को रिवर्स कर दें, दोनों में से किसी एक को रिवर्स करने से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो डेवलप होता है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा और रोटेशन ऑफ रोटर विल बी रिवर्स। तो अब देखते हैं फ्लक्स को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फ्लक्स को रिवर्स करने के लिए फील्ड करंट को रिवर्स करना पड़ेगा और आर्मेचर को रिवर्स करने के लिए आर्मेचर टर्मिनल को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अब ऑप्शंस को रीड करते हैं। ऑप्शन ए करता है रिवर्सिंग आर्मेचर कनेक्शंस, यस दिस इज राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी कहता है इंटरचेंजिंग द आर्मेचर एंड फील्ड कनेक्शन, यदि आर्मेचर कनेक्शन यानी कि इसको और फील्ड कनेक्शन यानी कि इसको दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, आर्मेचर करंट भी इंटरचेंज होगा, आर्मेचर करंट भी रिवर्स हो जाएगा और फील्ड करंट भी रिवर्स होगा, यानी कि 5 ही रिवर्स होगा। जब दोनों रिवर्स होगा तो वैसे केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप रिवर्स नहीं होगा और रोटेशन रिवर्स नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये कहता है एडिंग रेसिस्टेंस टू द फील्ड सर्क्यूट, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कहता है रिवर्सिंग सप्लाई कनेक्शन, सप्लाई कनेक्शन को रिवर्स करना, इट मींस यहाँ पर ही रिवर्स कर देना, ये जो पोर्शन है
इसी को रिवर्स करना है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आर्मेचर टर्मिनल भी रिवर्स हो जाएगा और फील्ड टर्मिनल भी रिवर्स होगा। ऐसे केस में फाई और आईए दोनों रिवर्स होगा और रोटेशन रिवर्स नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। ये कहता है कि द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज रिक्वायर्ड टू बी मोर देन फुल लोड स्पीड। दिस इज पॉसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे पास डीसी शंट मोटर है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और उसे फुल लोड से ज़्यादा की स्पीड पे हम रन कराना चाहते हैं, तो ऐसा किस मेथड से पॉसिबल होगा? और हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। इसके लिए याद करिए आप, एक स्पीड कंट्रोल मेथड है जिसका नाम है फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल मेथड। इसको हम फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम फील्ड के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से फील्ड वाइंडिंग में करंट कम फ्लो करता है, फील्ड का फ्लक्स हो जाता है कम, इसकी वजह से मोटर की स्पीड बढ़ जाती है एबव द रेटेड स्पीड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ये कहता है रिड्यूसिंग द फील्ड करंट, ये सही होगा। फील्ड करंट को रिड्यूस करने से फ्लक्स होगा कम और स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। ये कहता है कि EMF इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग्स ऑफ एन आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए याद करिए आप, फैराडेज का एक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अकॉर्डिंग जब किसी भी रोटेटिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो फ्लक्स उस कंडक्टर को कट करता है और उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है। ओके, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। ये कहता है कि द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज, एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। एज वी नो स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज इक्वल टू बैक EMF EB डिवाइडेड बाय वन कांस्टेंट KN एंड फील्ड फ्लक्स। यहां से आप देख सकते हैं कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक EMF का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फील्ड फ्लक्स का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF एंड इन्वर्सली टू फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। ये कहता है कि द EMF ऑफ अ डीसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आप जानते हैं, जनरेटेड EMF इन डीसी जनरेटर इज इक्वल टू ईजी विल बी इक्वल टू फाइ जेड एन पी अपॉन 60A। तो यहां से ऑप्शंस को रीड करिए, ये कहता है कम्यूटेशन पे डिपेंड करता है, दिस इज रॉन्ग। ये कहता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये कहता है स्पीड पे डिपेंड करता है, यस दिस इज राइट आंसर, क्योंकि इजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। ये कहता है कि इन अ डीसी मोटर Where does iron loss occur? And we have four options. Options हैं yoke, field, armature and none of these. तो इसका आंसर होगा armature. Armature में iron loss होते हैं,
इन डीसी मोटर एडी करंट लॉस अकर्स इन आर्मेचर सो टू रिड्यूस दिस लॉस वी यूज लेमिनेटेड आर्मेचर ओके कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 ये कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि मोटर में करंट प्रोड्यूस होने से क्या क्या होगा तो पहली बात कि करंट होने से वहाँ पर पावर लॉस होने वाला है और साथ ही करंट होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी मैग्नेटिक एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे करंट की वजह से पावर लॉस होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64 ये कहता है कि द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर्स इज नोन एज व्हाट जैसा कि हम जानते हैं मशीन में जो पार्ट रोटेट करता है उसको हम कहते हैं रोटर और जो पार्ट स्टेशनरी रहता है उसे हम कहते हैं स्टेटर ओके इस क्वेश्चन में पूछा है कि डीसी मोटर में रोटेटिंग पार्ट कौन सा होता है तो इन केस ऑफ डीसी मशीन आर्मेचर इज पुट ऑन द रोटर बट इन केस ऑफ एसी मशीन आर्मेचर इज पुट ऑन द स्टेटर ओके तो चूंकि ये डीसी मोटर है इसलिए आर्मेचर इज रोटेटिंग इन नेचर सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65 ये कहता है कि द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैं टू चेंज अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट ऑप्शन बी है टू इम्प्रूव कम्यूटेशन ऑप्शन सी है टू इजी स्पीड कंट्रोल एंड ऑप्शन डी इज टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज इस क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है मशीन इट मीन्स दिस मे बी जनरेटर और मे बी मोटर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो जनरेटर के बारे में पूछ रहा है या फिर मोटर के बारे में पूछ रहा है क्योंकि जनरेटर और मोटर दोनों के केस में कम्यूटेटर एक अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं मोटर वाला केस भी देखे हैं और जनरेटर वाला केस भी देखे हैं यहाँ पर यदि मैं जनरेटर मानकर चलूँ तो जनरेटर के केस में कम्यूटेटर क्या करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है इन केस ऑफ जनरेटर वो होता है अल्टरनेटिंग इन नेचर और हमें लोड की साइड पे जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज डीसी तो इसलिए कम्यूटेटर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है कि डीसी शंट जनरेटर हैज एंड वी हैव फोर ऑप्शंस यहाँ देखिए यह है एक शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिस इज इजी दिस इज ई नॉट एंड दिस वन इज टर्मिनल वोल्टेज वी एक्स एक्सिस पे लोड करंट को मैंने शो किया है यहाँ पे करीब होगा फुल लोड करंट इट मीन्स आई ए एफ एल फुल लोड आर्मेचर करंट क्या होता है इसका टर्मिनल वोल्टेज वी ब्लैक इंक से जो शो हो रहा है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज वी वी को हम लिखते हैं इज इक्वल टू
ईजी माइनस आई ए आर ए। जैसा कि जानते हैं हम, ईजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। पहले हम बात करते हैं फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ये पॉइंट है नो लोड एंड ये पॉइंट है फुल लोड। ओके, यहाँ से यहाँ हम देखते हैं कि क्या होगा। जब हम लोड करंट को इंक्रीज कराएंगे तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा एंड सो वोल्टेज विल बी डाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर करंट बढ़ने से आई ए आर ए लॉस होगा ज़्यादा और इसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज भी होगा कम। टर्मिनल वोल्टेज स्लाइटली कम होता है अप टू फुल लोड, लेकिन बियॉन्ड द फुल लोड यदि हम ओवरलोड पे इस जनरेटर को रन कराएं तो वैसे केस में आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होगी जिसकी वजह से टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा ही रिड्यूस होगा और जब टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस होता है तो इसका फील्ड करंट भी कम हो जाता है और फील्ड करंट के कम होने से इसका फ्लक्स हो जाएगा कम। सो जनरेटेड ईएमएफ विल बी रिड्यूस्ड और टर्मिनल वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यही शो किया गया है इस ग्राफ में कि अप टू फुल लोड देयर इज स्लाइटली डिक्रीमेंट इन टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस पॉइंट इज फुल लोड। बियॉन्ड फुल लोड ये कर्व कुछ इस तरह से डाउन होता है और जैसे ही टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा रिड्यूस होने लगता है उसकी वजह से फील्ड करंट कम होगा, फील्ड करंट कम होने की वजह से फ्लक्स कम होगा और ईएमएफ इंड्यूस भी कम हो जाएगा और फाइनली टर्मिनल वोल्टेज रीचेज टू जीरो वोल्ट हियर। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहेंगे, दिस इज स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं होगा, एप्रिसिएबली फॉलिंग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। ये कहता है व्हाट विल हैपन इफ द सप्लाई टर्मिनल्स ऑफ अ डीसी शंट मोटर आर इंटरचेंज्ड। इस तरह का केस हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मोटर विल रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज इट वॉज रनिंग। जिस डायरेक्शन में मोटर रन कर रहा था पहले, सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज करने के बाद भी वो उसी डायरेक्शन में रन करेगा और स्पीड भी उतनी ही होगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। ये कहता है कि द स्पीड ऑफ अ सीरीज मोटर एट नो लोड इज व्हाट। नो लोड का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले भी देख चुके हैं, दिस इज स्पीड एंड हियर टॉर्क, या फिर आप इसको आर्मेचर करंट भी लिख सकते हो, लोड भी इस एक्सिस को मान सकते हो। तो कुछ इस तरह से होगा सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज लोड एक्सिस, सो कुछ यहाँ पर होगा फुल लोड और यहाँ पर ये रीज़न होता है नो लोड का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नो लोड पर सीरीज मोटर की स्पीड कितनी है, ये पोर्शन इनफाइनाइट। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ये कहता है कि द फील्ड फ्लक्स
of a DC motor can be controlled to achieve. फील्ड फ्लक्स को हम कंट्रोल करते हैं क्या अचीव करने के लिए. इस तरह का बहुत बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. ये रिलेटेड है फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल मेथड से, और इस मेथड में हम फील्ड को कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है. यानी कि इसका आंसर होगा स्पीड इज हायर देन द रेटेड स्पीड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पर आपने देखा होगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है. तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो जेई लेवल का, वो अपने ही प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट करता है. बस फर्क इतना होता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 70, ये कहता है कि एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एडेड इन द फील्ड ऑफ अ डीसी शंट जनरेटर विल विच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर शंट जनरेटर गिवन है जिसके फील्ड वाइंडिंग में रेसिस्टेंस ऐड करते हैं सम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. यानी कि जब फील्ड का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फील्ड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम हो जाएगी एंड सो फील्ड फ्लक्स विल बी रिड्यूस्ड. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ईजी विल आल्सो बी रिड्यूस्ड, और इसकी वजह से जो टर्मिनल वोल्टेज होगा जनरेटर का वो कम हो जाएगा. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ द जनरेटर. लेकिन यदि यह मोटर होता तो उसके केस में फील्ड रेसिस्टेंस बढ़ने से फील्ड करंट की वैल्यू कम होती, फ्लक्स की वैल्यू कम होती, सो मोटर की स्पीड बढ़ जाती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 71, ये कहता है कि द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन इज व्हाट. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इन ए डीसी मशीन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स पर पोल. ओके, अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में. दिस इज पोल ऑफ अ मशीन एंड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग. ये कहलाता है पोल फेस या पोल शू, और ये है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग CW. यह यूज़ किया जाता है टू मिनिमाइज द इफ़ेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. ओके, और ये कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इस कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी IA, यानी कि आर्मेचर करंट. लेकिन इस कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग में फ्लो होने वाला आर्मेचर करंट DC इन नेचर होता है, यानी कि दिस इज DC करंट. यानी कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर्स में DC करंट फ्लो करता है. हमने क्वेश्चन नंबर 54 में देखा था जिसमें पूछा गया था कि कंडक्टर्स ऑफ अ मशीन में किस तरह का करंट फ्लो करेगा. वहाँ पे सिर्फ कंडक्टर की बात कही गई थी, उसने स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये कंडक्टर कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का है या फिर आर्मेचर वाइंडिंग का है. तो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आर्मेचर वाइंडिंग कंसिडर किया था, और मैंने आंसर बोला था कि उसमें AC करंट फ्लो करेगा. बट अगर कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को भी आप कंसिडर करोगे
तो इन केस ऑफ कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग इसमें डीसी करंट फ्लो करेगा। यदि आप इंटरपोल वाइंडिंग को भी कंसिडर करना चाहते हो तो इंटरपोल वाइंडिंग के केस में भी डीसी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम सब कुछ देख लेते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग डीसी, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग डीसी एंड आर्मेचर वाइंडिंग एसी करंट। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 72। ये कहता है कि टू डीसी मशीन्स 500 किलोवाट इच आर टेस्टेड बाय हॉपकिंसन टेस्ट। ओके, द पावर इनपुट वुड बी व्हाट। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में। इसका एक दूसरा नाम भी होता है रीजेनरेटिव मेथड। और इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि दो मशीन होते हैं हमारे पास, फर्स्ट मशीन को रन कराते हैं एज ए जनरेटर एंड सेकेंड मशीन को रन कराते हैं एज अ मोटर। ये जनरेटर और मोटर दोनों इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली कपल्ड होते हैं, सो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सप्लाई से सिर्फ उतना ही पावर ड्रॉ करेगा जितना कि इन दोनों मशीन में पावर लॉस होंगे। ओके, सो पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज टू ओवरकम द लॉसेस इन बोथ द मशीन्स। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे पूछता है इनपुट पावर कितना होगा, चाहिए 500 किलोवाट का हो या फिर कुछ भी इसकी रेटिंग हो। यदि हमें इसमें लॉसेस के बारे में नहीं दिया है तो हम ऑप्शन लगाएंगे डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनपुट पावर उतना ही होगा जितना दोनों मशीन्स में लॉसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। ये कहता है कि इन अ डीसी मशीन हाउ आर द कम्यूटेटिंग पोल वाइंडिंग कनेक्टेड। मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि कम्यूटेटिंग पोल किसको कहते हैं, इंटर पोल को कहते हैं। इसको हम शॉर्ट में कॉम पोल भी कहते हैं। इसको कम्यूटेटिंग पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटर पोल यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस। ओके, और इंटरपोल वाइंडिंग का आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस तरह का कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन। ओके, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन सीरीज विथ द आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। ये कहता है कि इंटरपोल्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लैब वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, लैब वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, दोनों में और नन ऑफ दिस। तो इंटरपोल्स जो हैं वो दोनों केस में यूज होते हैं, चाहे आपके मशीन में लैब वाइंडिंग हो या फिर वेव वाइंडिंग हो, इंटरपोल्स दोनों जगह यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फील्ड सिस्टम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। क्वेश्चन में कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फील्ड सिस्टम को हम कहाँ रखते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि मस्ट बी ऑन स्टेटर, ऑप्शन बी कहता है मे बी ऑन स्टेटर और रोटर, ऑप्शन सी कहता है मस्ट बी ऑन रोटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो यदि मैं डीसी मशीन के बारे में बात करूं, इसके केस में फील्ड सिस्टम यानी कि फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो स्टेटर पे होता है, और यदि मैं एसी मशीन के बारे में बात करूं तो इसके केस में जो फील्ड सिस्टम होगा वो रोटर पे होता है। तो चाहे डीसी हो या फिर एसी हो, दोनों ही केस में ईएमएफ इंड्यूस होता है,
और इसलिए हम कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फील्ड सिस्टम स्टेटर पर भी हो सकता है और रोटर पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मशीन है, डीसी मशीन है या फिर एसी है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मे बी ऑन स्टेटर और रोटर। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में कुछ सजेशन के रूप में आप ये ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।